أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस करण शहजाद। आज हम मैं आपको आपकी ششم جماعت की درسی किताब इस्लामियात से सबक नमाज जुम्मा पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम जुम्मे के दिन की फजीलत बयान करेंगे। हम मुसलमानों में जुम्मे का दिन अफजल तरीन यानी बेहतरीन दिन करार दिया गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन ही पैदा फरमाया गया, जुम्मे के दिन ही जन्नत में दाखिल किया गया, जुम्मे के दिन ही दुनिया में भेजा गया और क़यामत भी जुम्मे के दिन ही आएगी। जुम्मे के दिन की फ़र्ज़ियत यानी जुम्मे की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स अपनी सुस्ती की बिना पर किसी भी बग़ैर शरई उज़ुर के तीन नमाज जुम्मा लगातार छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है, हर नेक अमल की तौफीक से उसे महरूम कर देता है। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि वो चाहे भी तो कोई नेक अमल ना कर सके। जुम्मे के दिन जुहर के बजाय नमाज़ जुम्मा पढ़ते हैं। इसमें 14 रकात होती हैं जिनकी तरतीब ये है, 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़ जो जमात के साथ अदा की जाती है, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत और फिर 2 नफिल। नमाज जुम्मा के लिए एहतमाम करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी एहतमाम फरमाया करते थे जुम्मे के दिन का, जिसमें गुस्ल करना यानी कि पाक साफ होना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, तेल और खुशबू का इस्तेमाल है, ठीक है। और जब हम ये एहतमाम कर लें तो हमें क्या चाहिए कि मस्जिद की तरफ रवाना हो जाएं। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि मस्जिद में भी जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि उस दिन मस्जिद के दरवाज़ों पर फरिश्ते मौजूद होते हैं और वो अपने रजिस्टर में जल्द आने वाले लोगों का इंदराज कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे कि अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है तो उसे सबसे ज़्यादा सवाब यानी ऊँट की कुर्बानी पेश करने का सवाब मिला दिया जाता है, ठीक है, लिख दिया जाता है उसके लिए, और दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले के लिए गाय की कुर्बानी का सवाब लिख दिया जाता है, फिर आने वाले पर दुम्बे की कुर्बानी का सवाब लिख दिया जाता है, उसके बाद आने वाले पर मुर्गी का सवाब लिखा जाता है, और उसके बाद आने वाले पर अंडे की कुर्बानी का सवाब भी लिख दिया जाता है। उसके बाद फरिश्ते ख़ुद भी अंदर चले जाते हैं मस्जिद के और ख़ुद बैठकर खुतबा सुनते हैं। जब मस्जिद के अंदर आप जाएं, अब आप जिस भी वक्त गए हों यानी कि पहले पहुंचे हों या बाद में पहुंचे हों, तो जहां जगह मिले आपको वहीं खामोशी से बैठ जाना चाहिए। हरगिज़ भी ये कोशिश ना करें कि लोगों को हटा हटा कर जो है वो आगे पहुंच जाएं। आप जहां जगह मिले वहीं के वहीं बैठ जाएं और बिल्कुल खामोशी के साथ यानी कि किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं निकालनी आपने। खुतबे के दौरान जो है वो गुफ्तगू नहीं करनी है, किस हद तो ये कि किसी किस्म का वर्द या ज़िक्र भी नहीं करना है, ये तक कहने की इजाज़त नहीं है, आमीन तक कहने की इजाज़त नहीं है आपको, सही है, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उनका ध्यान हट जाता है। खुतबा क्योंकि अरबी ज़बान में होता है, हमारी उर्दू ज़बान में नहीं होता, तो बस हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से सुनते रहना है। और इस दौरान अगर आप चाहें तो अपने दिल में दुआ मांग सकते हैं, दिल ही दिल में, बगैर कोई आवाज़ निकाले, सिर्फ दिल ही दिल में आप जो है वो इस दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि खुतबे के दौरान जो वक्त है वो बेहतरीन वक्त होता है और उस वक्त में अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल भी करता है। जुम्मे के दिन का बेहतरीन वजीफ़ा क्या है कि हमने उस दिन जो है वो कोई फालतू बात नहीं करनी, हमें क्या करना है, दुरूद शरीफ का एहतमाम करना है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है,
दुरूद शरीफ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसका इंतहाई सवाब है, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम लोग जुम्मे के दिन दुरूद की कसरत किया करो, यानी कि दुरूद बेतहाशा पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश होता है और पेश होता रहेगा ता क़यामत। तो हमने क्या करना है कि जुम्मे वाले दिन नमाज का अहतमाम बहुत अच्छी तरह करना है, दुरूद शरीफ का अहतमाम करना है, और दुआएं मांगते रहनी है, क्योंकि जुम्मे का दिन अफजल तरीन दिन है, तो जुम्मे के दिन जो है वो दुआएं कबूल करता है अल्लाह ताला।